वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुश भारद्वाज। तो अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो लाइक मी और चाहते हो कि आपका जो यूट्यूब अकाउंट है वो एक ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट हो जाए, वेरीफाई हो जाए, तो आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप नॉर्मल अकाउंट को ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है और YouTube उसके अलग से क्या फीचर्स देता है। जानेंगे कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल के फीचर्स के साथ। अगर आपका ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल अप्रूव हो जाता है यूट्यूब के थ्रू तो आपको मिलती है यूनिफाइड प्रेजेंस। तो इसका मतलब है कि जो आपका यूट्यूब स्टूडियो होता है उसमें आपको अलग से एक टैब मिलती है जिसमें होता है आर्टिस्ट एनालिटिक्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आर्टिस्ट एनालिटिक टैब में आपको मिलेगा कि आपके जो व्यूअर्स है वो किस एज ग्रुप के हैं, कौन से जेंडर के हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सी लैंग्वेज के गाने सुनने पसंद करते हैं और कौन सी सिटी से बिलोंग कर सकते हैं, ये सभी कुछ आप जान सकते हो। और इसके अलावा आप अपने यूट्यूब स्टूडियो अपने कॉन्सर्ट्स भी ऐड कर सकते हो, उसकी टिकट्स भी सेल कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल का जो सेकंड फीचर है उसमें आपको मिलता है कि जितने भी आपके ऑलरेडी सॉन्ग्स रिलीज हो चुके हैं यूट्यूब उन्हें ऑटोमेटिकली एक प्लेलिस्ट में डाल देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ऑडियो सॉन्ग्स रिलीज किया है उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना देगा, अगर आपने वीडियो सॉन्ग्स रिलीज किया उसके ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग्स की एक प्लेलिस्ट बना देगा। मतलब कि एक ऑर्गेनाइज मैनर में आपके यूट्यूब चैनल पर वो प्रेजेंट करेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे जो यूट्यूब चैनल पर वो मेरे ऑटोमेटिकली इन्होंने प्लेलिस्ट में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रिसेंटली अपनी एल्बम रिलीज की थी जिसमें 5 सॉन्ग्स थे, सारे वीडियो सॉन्ग्स थे, तो आप देख सकते हो कि उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज मैनर में इन्होंने रिलीज कर दिया, लाइंड अप कर दिया। आप देख सकते हो एक उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल का जो थर्ड फीचर है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर आपने सॉन्ग्स डिफरेंट डिफरेंट चैनल पर रिलीज किया है, किसी लेबल के थ्रू रिलीज किया है या किसी और ने आपका सॉन्ग अपलोड किया है, तो उस चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वो कोलैब होकर आपके सिंगल ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल पर आ जाएंगे। तो इस फीचर को मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आपका कोई एक सॉन्ग मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज करता हूं और जितने भी व्यूअर आएंगे आपके सॉन्ग को सुनने मेरे चैनल पर और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो वो सारे सब्सक्राइबर आपके चैनल पर चले जाएंगे अगर आपका जो चैनल है वो यूट्यूब ऑफिशियली आर्टिस्ट चैनल अप्रूव कर देता है। तो है ना कमाल का फीचर। चलिए बढ़ते हैं कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले जानते हैं कि इसके क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं अगर आपको एक अपना यूट्यूब चैनल है वो एक ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट करना है। ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल को पाने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। आजकल सभी आर्टिस्ट का चैनल होता ही है, बट इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर किसी और आर्टिस्ट के सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर मेरा आर्टिस्ट चैनल है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं उस पर किसी और आर्टिस्ट के सॉन्ग्स नहीं रिलीज कर सकता, किसी बैंड के सॉन्ग रिलीज नहीं कर सकता। अगर मेरा एक बैंड चैनल है तो मैं अपने बैंड के ही सॉन्ग्स रिलीज कर सकता हूं। तो उसको आप खुद ऑपरेट करते हो और उसमें आपके सॉन्ग्स के अलावा किसी और के सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए। तो ये थी मिनिमम पहली रिक्वायरमेंट। तो ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल पाने की जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके यूट्यूब चैनल पर एटलीस्ट 3 जो सॉन्ग्स है आपके वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के थ्रू रिलीज हुए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो यूट्यूब चैनल है आपने उस पर डायरेक्टली कोई सॉन्ग अपलोड कर दिया वो नहीं माना जाएगा, आपने किसी एजेंसी के थ्रू, किसी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के थ्रू आपने सॉन्ग्स रिलीज कराए होने चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सीडी बेबी के थ्रू रिलीज करा सकते हो, डिस्ट्रोकिड के थ्रू रिलीज करा सकते हो, अम्यूज के थ्रू रिलीज करा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके थ्रू आप अपने सॉन्ग्स रिलीज करा सकते हो, जो कि टॉपिक चैनल्स बन जाते हैं और आपके जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट 3 सॉन्ग्स ऑफिशियली रिलीज होने चाहिए, वो एक ऑफिशियल वीडियो नहीं होनी चाहिए। ऑडियो सॉन्ग्स भी चलेंगे, 3 से ज्यादा चलेंगे, 3 से कम हो तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो ये थी सेकंड रिक्वायरमेंट। तो ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल को पाने की थर्ड एंड लास्ट रिक्वायरमेंट है कि आपका यूट्यूब चैनल पार्टनर प्रोग्राम में एंटर हुआ होना चाहिए। मतलब कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी आपको ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल मिल जाएगा, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी भी ज्यादा नहीं कि आपको ईंटें तोड़नी पड़ेगी, जस्ट थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक ईमेल करनी पड़ेगी, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा। बट अगर आपका ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज हुआ है तो आपको इजिली ये ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपके 4000 घंटे पूरे हुए हैं, 1000 जो सब्सक्राइबर है आपके यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन आप इजीली उसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि आप अपना ये जो नॉर्मल चैनल है उसे ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल कैसे अप्लाई कर सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हुआ तो कैसे आप अपने नॉर्मल यूट्यूब चैनल को ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक ईमेल लिखनी पड़ेगी,
जिस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपने अपने सॉन्ग्स रिलीज कराया, 3 सॉन्ग्स रिलीज कराया, उसको आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर उनकी जो कस्टमर सपोर्ट की ईमेल आईडी है वो वहां से ले सकते हो। उसमें आपको ईमेल में क्या टाइप करना होगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो आपके तीन सॉन्ग्स हैं उनका यूट्यूब लिंक आपको कॉपी करके उस ईमेल पर डालना होगा। तीनों सॉन्ग्स का अलग से लिंक डालिए, उसका नाम लिखे कि ये मैंने आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है उसके थ्रू ये रिलीज कराए थे, इस डेट को रिलीज कराए थे, ये सॉन्ग का नेम है, ये मेरे आर्टिस्ट चैनल का नेम है, मेरे यूट्यूब चैनल का ये मेरा नेम है, मेरे यूट्यूब चैनल का ये लिंक है, मेरा नाम ये है, और मैं अपने जो यूट्यूब चैनल को एक ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वेरीफाई करवाना चाहता हूँ यूट्यूब के थ्रू। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन के साथ उन्हें आप एक ईमेल ड्राफ्ट कीजिए। तो जैसे ही आप ये ईमेल ड्राफ्ट करोगे आपको एक ऑटोमेटिकली 1 से 2 दिन के अंदर उनका रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है हमने यूट्यूब को डाल दी है, एंड 5 से 7 वर्किंग डेज में आपका जो अकाउंट है वो ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट एंड वेरीफाई हो जाएगा। बट आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है या आपका जो यूट्यूब अकाउंट है वो मतलब यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, देन आपका जो अकाउंट है वो कभी भी ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो, आपका कोई भी वीडियो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो मतलब अगेंस्ट ना हो, तो तभी आपका जो अकाउंट है वो यूट्यूब अकाउंट है वो ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट हो पाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है, पार्टनर प्रोग्राम में ऑलरेडी एंटर्ड है, तो आप कैसे अपना जो नॉर्मल यूट्यूब अकाउंट है उसे एक ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट वेरीफाई करवा सकते हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको जाना है इस चैट क्रिएटर स्पॉट में, आपको यहां पर अपना जितने भी 3 सॉन्ग्स है उनका लिंक डालना है और बताना है कि मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है उसे एक आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट करना चाहता हूं और मैंने ये अपने जो सॉन्ग्स है इस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज करवाए थे, स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, आईट्यून्स पे, हर जगह मेरा सॉन्ग्स प्रेजेंट है, ये मेरा आर्टिस्ट चैनल नेम है, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को डाल दीजिए कि मैं अपना जो नॉर्मल यूट्यूब अकाउंट है उसे एक ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में देख पाऊं। 3 से 4 वर्किंग डेज में आप देख पाओगे कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके आगे एक म्यूजिक का नोट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप मेरे चैनल पर अभी देख सकते हो, मेरे आर्टिस्ट नेम के आगे एक म्यूजिक का नोट आता है। जब भी मैं किसी यूट्यूब वीडियो के में कमेंट करता हूं तो उसमें ये अलग से रिप्रेजेंट होता है। जैसा कि आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, मैंने अपने कमेंट को पिन किया है और उसमें देख सकते हो कि मेरे जो नेम है उसके आगे एक म्यूजिक का नोट आपको देखने को मिल रहा है। तो यही था इस वीडियो में कि कैसे आप अपने नॉर्मल अकाउंट को ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस और होम स्टूडियो रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। कीप वॉचिंग कैंपस इमो, पीस आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल कैंपस इमो ऑन YouTube। थैंक यू सो मच।